गुड मॉर्निंग टू ऑल. दिस साइड लता मंगेशकर, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ मेट्रो ग्रुप ऑफ कॉलेज, ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट. एंड इन लास्ट क्लासेस में क्या पढ़ा था हमने? हर्बल एक्सीपिएंट, वो पार्ट फर्स्ट था जिसमें हमने नेचुरल कलरेंट्स के बारे में पढ़ा था. अब पढ़ेंगे हम नेक्स्ट एक्सीपिएंट, नेचुरल स्वीटनर्स. नेचुरल स्वीटनर, स्वीटनिंग एजेंट लाइक टू गिव द स्वीट टेस्ट और इनहांस द परसेप्शन ऑफ टू स्वीट टेस्ट. ठीक है, नेचुरल स्वीटनिंग एजेंट. ठीक है, वो क्या है? नेचुरल स्वीटनिंग एजेंट आर प्रेफर्ड ओवर सिंथेटिकली स्वीटनिंग एजेंट सिंस दे डू नॉट हैव एनी एडवर्स इम्पैक्ट ऑन द हार्ट हेल्थ. ठीक है, सो जो नेचुरल स्वीटनिंग एजेंट्स है उसको क्या है, वो प्रिफर्ड भी स्वीटनिंग सिंथेटिक एजेंट भी बना सकते हैं जिसका कोई भी एडवर्स इम्पैक्ट नहीं होता हमारी हेल्थ पर. ठीक है, तो जो नेचुरल स्वीटनर्स हम लाइक टेस्ट वगैरह के इनहांस करने के लिए, ठीक है, सो टेस्ट वगैरह को इनहांस, परसेप्शन को इनहांस करने के लिए जो है नेचुरल स्वीटनर्स यूज करते हैं जिसका भी कोई भी एडवर्स इफेक्ट नहीं होता. ठीक है, तो सो टू टाइप्स ऑफ स्वीटनर्स आर अवेलेबल. नेचुरल स्वीटनर्स जो कि हमें प्लांट ओरिजिन से हम ऑब्टेन कर सकते हैं. दूसरा है आर्टिफिशियल और सिंथेटिक स्वीटनर्स. ठीक है, जो कि बनाया जाता है, मैन मेड है. ठीक है, तो उसको बोलेंगे आर्टिफिशियल और सिंथेटिक स्वीटनर्स. सो नॉन सैकराइड नेचुरल स्वीटनिंग एजेंट आर लो कैलोरिफिक. जो नॉन सैकराइड नेचुरल स्वीटनर एजेंट है उसका लो कैलोरिफिक होता है, नॉन टॉक्सिक होता है, सुपर स्वीट होता है. ठीक है, उसकी जो कैलोरी होती है वो भी कम होती है, टॉक्सिक जो होता है वो भी कम होता है, बट जो टेस्ट होता है वो स्वीट जो होता है वो सुपर होता है. 100 to 10,000 times स्वीटर देन शुगर. शुगर से 100 to 10,000 times वो क्या होता है, स्वीटर होता है देन शुगर. नेचुरल स्वीटनर्स जो होते हैं वो जूस के शुगर सब्स्टिट्यूट होते हैं फॉर डायबिटिक पेशेंट्स के. द एक्टिव स्वीट प्रिंसिपल स्टोर्ड इन प्लांट कैन बी ग्रुप्ड अंडर टर्पिनोइड्स के फॉर्म में, स्टेरॉल्स के फॉर्म में स्टोर होते हैं प्लांट्स में, सैपोनिन डाइहाइड्रो आइसो काउमेरिन्स के फॉर्म में, डाइहाइड्रो कैल्कोन्स के फॉर्म में, प्रोटीन पॉलियोल्स वोलेटाइल ऑयल एक्सेट्रा इन नेचर. जो न्यूट्रेटिव स्वीटनर्स होते हैं लाइक फॉर्बिटॉल, मैनिटॉल, जायरिटॉल, लैक्टिटॉल, मिक्सचर ऑफ ग्लाइकोजाइल सॉर्बिटॉल एंड ग्लाइकोजाइल मैनिटॉल फ्रक्टोज, दीज आर द न्यूट्रिटिव शुगर्स. देन नॉन न्यूट्रिटिव शुगर्स एस्पार्टेम, सैक्राइन, साइक्लामेट, एसिड सल्फेट के एंड एलिटेम, दीज आर द नॉन न्यूट्रिटिव स्वीटनर्स. प्लांट बेस्ड नेचुरल स्वीटनर्स कौन कौन से होते हैं? स्टेबियोसाइड्स, ग्लाइसरीन, नियोहेस्पैरिडिन, थाउमेटिन, मोनिलिन्स एंड सुक्रालोज. ये क्या है? ये केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है जो कि प्रेजेंट होते हैं प्लांट्स में, और ये क्या होते हैं, ये एज ए नेचुरल स्वीटनर्स यूज किए जाते हैं. ये नेचुरल स्वीटनर्स है. सो प्लांट बेस्ड नेचुरल स्वीटनर्स. देन हम पढ़ेंगे कौन कौन से नेचुरल स्वीटनर्स है जो कि किस प्लांट से ऑब्टेंड होते हैं. ठीक है, सोर्स है स्टेबिया रिबाउडियाना. ठीक है, ये इसका बायोलॉजिकल सोर्स नेम है. देन उसकी लीफ से हम ऑब्टेन कर सकते हैं. देन फैमिली है कंपोसिटी. देन कौन कौन से कंपाउंड है जिसकी वजह से नेचुरल स्वीटनर्स जो कि स्वीटनर्स देता है स्वीट्स के लिए यूज होते हैं, स्टेबियोसाइड्स, रिबाउडियोसाइड्स, 160 to 170 times स्वीटर देन द सुक्रोज, दीज आर द एक्टिव कंपाउंड्स व्हिच प्रेजेंट इन द स्टेबिया रिबाउडियाना प्लांट्स. ठीक है, देन सेकेंड प्लांट है ग्लिसराइजा ग्लैब्रा जिसकी फैमिली है लेगुमिनेसी. देन कॉमन नेम ऑफ ग्लिसराइजा ग्लैब्रा लिकोराइस रूट जिसको हिंदी में मुलैठी भी बोलते हैं. ठीक है, जो हिंदी में क्या है हम जो यूज करते हैं मुलैठी. ठीक है, तो ये भी क्या है एज ए नेचुरल एज ए स्वीटनर्स यूज किया जाता है. तो इसमें कौन सा कंपाउंड है? ग्लिसराइजिन. ठीक है, ग्लिसराइजिन दीज आर द एक्टिव कंपाउंड प्रेजेंट इन दिस लिकोराइस प्लांट. देन 50 to 100 times क्या है ये स्वीटर होता है. देन नेक्स्ट प्लांट है सीट्रस ओरिएंटियम. देन फैमिली है रूटिएसी. देन कॉमन नेम ऑफ द बिटर ऑरेंज. देन कंपाउंड प्रेजेंट नियो हेस्पेरिडिन डाइहाइड्रोकैल्कोन. ये 330 times जो है वो स्वीटर है. देन थाउमेटोकोकस डेनिली
फैमिली है मारंटेयसी, देन फ्रूट एरियल, देन एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट इन दिस प्लांट दे कॉल्ड थाउमेटिन, 3500 times मोर स्वीटर, ठीक है। सो डायोस्कोरियोफाइलम क्यूमिनसी एंड फैमिली ऑफ दिस प्लांट मेनिन स्पर्मेसी फ्रूट्स, देन फ्रूट पार्ट इज यूज्ड, देन कंपाउंड प्रेजेंट इन दिस प्लांट मोनिलिन्स 2000 times मोर स्वीटर, देन सेमी सिंथेटिक सो सुक्रालोज जो 600, जो हम आर्टिफिशियल बनाते हो वह सुक्रालोज 600 times। सो अब इंडिविजुअल इन प्लांट्स के बारे में, हम जो नेचुरल स्वीटनर्स प्लांट है इन सब के बारे में पढ़ेंगे। देन फर्स्ट है स्टेविया, ये क्या है, ये हम इसका बायोलॉजिकल सोर्स है, ये एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम अ साउथ अमेरिका प्लांट स्टेविया रिबा ऑर्डियाना, देन फैमिली है कंपोजिटेसी, जियोग्राफिकल सोर्स है पोराग्वे यानी कि पुर्तगाल, ब्राजील, जापान, चाइना, ताइवान, थाईलैंड, मलेशिया, यहाँ से कल्टीवेट और कलेक्ट किया जाता है। देन ड्राइड लीव्स ऑफ प्लांट, द वाटर एक्सट्रैक्ट ऑफ द लीव्स एंड प्योरिफाइड इंग्रेडिएंट ऑफ द एक्सट्रैक्ट आर यूज्ड एज द स्वीटनिंग एजेंट। सबसे क्या पहले करेंगे, जो इस प्लांट्स को लेंगे उसको ड्राई करेंगे, देन ड्राई जो लीव्स पार्ट यूज करते हैं तो लीव्स लेंगे इसको, उसको वाटर में एक्सट्रैक्ट करेंगे, देन जो आपको प्योरिफाइड इंग्रेडिएंट मिलेगा एक्सट्रैक्ट जो है वो यूज होता है एज अ स्वीटनिंग एजेंट। तो कौन सा है वो स्टेबियोसाइड, ये केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट जो हम एक्सट्रैक्ट करके आइसोलेट करते हैं इस प्लांट से, देन जो कि यूज होता है स्वीटनिंग एजेंट। सो स्टेबियोसाइड कैन बी आइसोलेटेड फ्रॉम द लीव्स ऑफ स्टेविया बाय एक्सट्रैक्शन विद वाटर और वाटर इथाइल एल्कोहल मिक्सचर, दोनों से एक्सट्रैक्ट कर लेंगे दोनों के साथ, देन फर्दर प्योरिफिकेशन करेंगे बाय द ट्रीटमेंट ऑफ कैल्शियम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड या मैग्नीशियम कार्बोनेट के साथ, ठीक है। सो जो स्टेबियोसाइड्स है जो कि एज ए स्वीटनिंग एजेंट यूज किया जाता है वो कहाँ से ऑब्टेन करते हैं, जो स्टेविया प्लांट है उसकी लीव्स लेंगे, उसको आइसोलेट करेंगे बाय एक्सट्रैक्शन करेंगे वाटर से या वाटर इथाइल एल्कोहल के साथ एक्सट्रैक्शन करेंगे, उस मिक्सचर होगा उसको दोबारा प्योरीफाइड वापस से प्योरीफाइड करेंगे इसके साथ कैल्शियम या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड या मैग्नीशियम कार्बोनेट, इन तीनों में से किसी एक के साथ एक्सट्रैक्ट करके हम स्टेबियोसाइड्स को आइसोलेट कर लेंगे। द रेशो ऑफ रिबाउडियोसाइड ए टू स्टेबियोसाइड कैन बी इंक्रीज बाय एक्सट्रैक्शन विद मिथनॉल, ठीक है। जो रेशो होता है रिबाउडियोसाइड के ए टू स्टेबियोसाइड कैन बी इंक्रीज कर दिया जाए बाय एक्सट्रैक्शन, अगर एक्सट्रैक्शन करते हैं मिथनॉल के साथ, देन टू कंपाउंड आइसोलेट होता है एंड प्योरीफाइड फ्रॉम एक्वस एक्सट्रैक्ट आर स्टेबियोसाइड एंड रिबा ऑडियोसाइड है, जो भी हम एक्सट्रैक्शन करके निकालते हैं वो दो दो हमें कंपाउंड मिलते हैं, ठीक है। दो कंपाउंड आइसोलेट होते हैं, देन स्टेबियोसाइड और रिबा ऑडियोसाइड जो एज ए स्वीटनिंग एजेंट यूज किए जाते हैं, वो दीज कंपाउंड आर द डायटरपिन ग्लाइकोसाइड, दोनों कंपाउंड क्या है डायटरपिन ग्लाइकोसाइड्स है, जो स्टेबियोसाइड्स है वो 160 to 170 times स्वीटर होता है सुक्रोज के कंपेरिजन में, इट्स स्वीटनेस इज टेंड विद ए बिटर और अनडिजायरेबल आफ्टर टेस्ट, बट इट्स वाइड यूज इन जापान फॉर ओवर 20 years डिड नॉट प्रोड्यूस एनी नॉन डिलेटेरियस साइड इफेक्ट, ये जापान में यूज हो रहा है ओवर 20 साल से, उसका कोई भी टॉक्सिक डिलेटेरियस साइड इफेक्ट नहीं है। इन USA द FDA अलाउड द यूज ऑफ स्टेविया एज ए डाइट सप्लीमेंट बट नॉट एज ए स्वीटनर्स और अन इंग्रेडिएंट फूड, USA में जो FDA ने अप्रूव किया है कि जो स्टेविया है वो एज ए डाइट सप्लीमेंट में रखा जाए, नॉट ए स्वीटनर्स और इंग्रेडिएंट ऑफ फूड में नहीं, उनके नहीं रखना। देन स्टेविसाइड्स और रिबाउडियोसाइड्स जो है वो जो है गिव राइज टू इट्स प्रिंसिपल स्टेबियोल विच हैज बीन रिपोर्टेड टू एज म्यूटाजेनिक एक्टिविटी भी होती है, तो स्टेबियोसाइड होता है वो इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट होता है जो कि टेबल टॉप स्वीटनर्स में यूज किया जाता है, कन्फेक्शनरीज में, सॉफ्ट ड्रिंक्स में, फूड प्रोडक्ट, ये इसका स्टेबियोसाइड का यूज है, इन सब में यूज किया जाता है। स्वीटनेस इंटेंसिटी ऑफ रिबाउडियोसाइड इज अप्रोक्सीमेटली 1/3 हायर देन दैट ऑफ स्टेबियोसाइड के कंपेयर में, ये 1/3 हायर है रिबाउडियोसाइड ए, जो इसका टेस्ट या करेक्टरिस्टिक आल्सो सुपीरियर, बट ये क्या है अनस्टेबल है और ये लाइट में डिकम्पोज हो जाता है, इसलिए हम इसको एज ए प्रिजर्वेशन बहुत टाइम तक के लिए नहीं रख सकते, ये स्टेबल ठीक है, बट ये 1/3 हायर होता है स्टेबियोसाइड में एज ए स्वीटनेस। देन सेकेंड कंपाउंड है नियो हैस्पेरिडिन डाई हाइड्रोकैल्कोन, देन सोर्स है इसका
इट्स अ फ्लेवोनॉइड कंपाउंड प्रेजेंट इन बिटर ऑरेंज, सिट्रस ऑरेंटियम, वेराइटी एमारा, फैमिली रूटेसी। ये फ्लेवोनॉइड कंपाउंड है जो कि बिटर ऑरेंज से मिलता है, वहाँ प्रेजेंट होता है। सिट्रस ऑरेंटियम प्लांट से फैमिली है रूटेसी। न्यू हेस्पेडिन डाइहाइड्रोकोल्केन इज ऑब्टेन बाय द हाइड्रेशन ऑफ न्यू हेस्पेडिन अंडर अल्कलाइन कंडीशन। अल्कलाइन उसमें लेके हम क्या करते हैं, हाइड्रेशन करते हैं न्यू हेस्पेडिन जो है उसका, तो हमें क्या होता है, न्यू हेस्पेडिन डाइहाइड्रोकोल्केन ऑब्टेन हो जाता है। इट इज आल्सो प्रोड्यूस्ड फ्रॉम फ्लेवोनॉइड नारंगिन। नारंगिन एक प्लांट होता है, एक फ्रूट होता है, उससे भी हमें आल्सो प्रोड्यूस फ्रॉम इससे भी हमें ये नियो हेस्पेडिन डाइहाइड्रोकैल्कोन ऑब्टेन हो जाता है, जो प्रेजेंट होता है सेवरल पील्स ऑफ द अदर सिट्रस स्पीसीज। थ्रो नियो हेस्पेडिन डाइहाइड्रोकैल्कोन इज प्रोन टू हाइड्रोलाइटिक क्लीवेज ऑफ ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। इट्स स्टेबिलिटी इज एक्सेप्टेबल अंडर फूड प्रोसेसिंग एंड स्टोरेज कंडीशन। इट इज अबाउट 330 टाइम्स स्वीटर दैन सुक्रोज। 330 टाइम स्वीटर है सुक्रोज के कंपेयर में। देन न्यू हेस्पेडिन डाइहाइड्रोकैल्कोन इज कैरेक्टराइज बाई प्रोनाउंस मिथनॉल लाइक आफ्टर टेस्ट विच लिमिट इट्स यूज एंड एड अलाउड टू मेक ओनली अ पार्शियल कॉन्ट्रीब्यूशन टू फूड एंड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। ये एक्ट किया जाता है सिनर्जिस्टिकली भी विद द नंबर ऑफ स्वीटनर्स। एसलफेम एस्पार्टेम कैन बी यूज इन वेरी स्मॉल क्वान्टिटी इन ब्लेंड्स विद दीज स्वीटनर्स। ठीक है, ये क्या होता है, ये अदर स्वीटनर्स के साथ यूज की साइनर्जिस्टिक एक्टिविटी को उसका टेस्ट को बढ़ाने के लिए भी दिया जाता है। ये कॉन्फेक्शनरी प्रोडक्ट लाइक च्युइंगम बेवरेज डेयरी प्रोडक्ट में यूज होता है। ठीक है, इन एडिशन टू स्वीटनर्स न्यू हेस्पेडिन डाइहाइड्रोकैल्कोन आल्सो फ्लेवर्स में एज अ फ्लेवरिंग एजेंट, फ्लेवर इनहांस प्रॉपर्टी। फ्लेवरिंग एजेंट भी यूज किया जाता है इन वेराइटी ऑफ फूड एंड अदर प्रोडक्ट फूड में एज ए फ्लेवरिंग एजेंट भी यूज किया जाता है। तो दीज आर द नेचुरल स्वीटनर्स और नेचुरल स्वीटनिंग एजेंट विच आर यूज्ड और टू प्रिपेयर मेडिसिंस एज ए एक्सीडेंट। ठीक है, तो जो इसका रिमेनिंग एक्सीपिएंट है बाइंडर रेलेवेंट वो पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। सो थैंक यू।